सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मार्केटिंग एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम सेलिंग. तो मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस बताना है. तो मार्केटिंग क्या होता है कि मार्केटिंग में हम ये एक सोशल प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप किया जाता है. वो किस लिए किया जाता है कि हम नीड्स एंड वॉन्ट्स को, कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को क्रिएट करते हैं या ऑफर करते हैं या फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है. तो और इसके बदले में हम उनसे वैल्यू लेते हैं. और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मतलब जो भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसे वैल्यूज एक्सचेंज किया जाता है, कहा जाता है. कि क्या कर रहे हैं, हम कस्टमर से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को और उनसे मनी ले रहे हैं, ठीक है. तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं मनी एंड प्रोडक्ट सर्विसेज का, और इन सब चीज़ों को क्या बोला है, वैल्यू बोला जा रहा है. कोई एक वैल्यू हम उनसे एक्सचेंज कर रहे हैं. इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेटेड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. क्या कर रहा है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को ये गुड्स वो कर रहा है, मतलब गुड्स पहुंचा रहा है, ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, मार्केटिंग इन्वॉल्व स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रिलेशनशिप. ये क्या है, एक्सचेंज रिलेशनशिप जो हो रहा है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच, उसका स्टडी एंड मैनेजमेंट होता है ये मार्केटिंग, ठीक है. और इसमें हम क्या करते हैं कि मार्केटिंग की कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाता है, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाता है क्या करने के लिए, कि बिजनेस में हमारे कस्टमर क्रिएट हो, ठीक है. कस्टमर खुश होगी तब जाके हमारी न्यू कस्टमर और कस्टमर बनेगी, ठीक है. मार्केटिंग इज कंसर्न विद ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंपनी विच आर एसोसिएटेड विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट एम एट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द कंपनीज और सर्विस. इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट एम एट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द कंपनीज सर्विस, कंपनीज गुड्स और सर्विसेज, एंड मेकिंग श्योर दैट दीज आर अवेलेबल टू बी बॉट एंड अवेल्ड रिस्पेक्टिवली. तो मार्केटिंग में क्या है कि ये चाहती है कि जो भी कंपनी मार्केटिंग कर रही है वो क्या चाहती है कि जो हमारे गुड्स हैं वो अच्छे से सेल हो जाए, हम और अच्छे से हम उनकी सर्विस दे पाएं. किसको, कस्टमर को. सेल्स कर रहे हैं हम कस्टमर को, उसके साथ साथ हम उसको सर्विसेज भी दे रहे हैं. और फिर सेल्स करने से पहले हम उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता भी रहे हैं. पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कस्टमर को उन प्रोडक्ट दे रहे हैं, और प्रोडक्ट के बाद उसकी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है. और फिर सर्विसेज से क्या, और इन ये सब करते हुए हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहे हैं, और कस्टमर से रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है. और इससे क्या हो रहा है कि इससे, और ये सब करते हुए कस्टमर जो बिजनेस है वो क्या चाहती है कि जो उसकी कस्टमर है वो दोबारा उसके पास आए. ये यूवी कौन है, कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ ब्रांड. और देखो, कस्टमर को हम खुश कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, कस्टमर को खुश कर रहे हैं, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कस्टमर को गुड्स दे रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं कि हमारी बिजनेस को वो पहचाने, जो कस्टमर हमारा वो हमारे बिजनेस को पहचाने, ठीक है. और वो बिजनेस क्या होता है, कस्टमर को हम खुश करेंगे, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाएंगे, कस्टमर हमसे खुश होगी तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का ट्रस्ट जीत पाएंगे. और जब कस्टमर जब किसी बिजनेस से खुश हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो वो क्या करती है, न्यू कस्टमर लाती है, उसकी चर्चा करती है और मार्केट में सिर्फ उसकी बातें चलती है. तो जब वो ऐसा हो जाता है तो वो जो कंपनी होती है, वो ब्रांड जो होता है या फिर वो प्रोडक्ट जो भी होता है, वो ब्रांड बन जाता है. ब्रांड कैसे बनता है, तो ब्रांड नाम से बनता है. कि हर कोई बिजनेस ब्रांड नहीं बन सकता, ना हर कोई प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है जब तक वो कस्टमर का ट्रस्ट ना हो उसके पास. कस्टमर ही एक प्रोडक्ट को या किसी बिजनेस को या किसी भी चीज़ को ब्रांड बनाती है, ठीक है. मार्केटिंग अट्रैक्ट कंज्यूमर्स कार्स रिसोर्सेज अटेंशन एंड डिस्पोजेबल इनकम टू डिराइव प्रॉफिटेबल रेवेन्यू. और ये सब चीज़ें वो किस लिए कर रही है, अपने रेवेन्यू के लिए, कि उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हो वो बढ़े, ठीक है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम अ कंपनी टू इट्स एंड कस्टमर्स टू फ्रॉम प्रोडक्ट डेवलपमेंट थ्रू टू द फाइनल सेल एंड पोस्ट परचेज सपोर्ट, ठीक है.
फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे रखी है. मार्केटिंग इज द एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कम्युनिकेटिंग डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स क्लाइंट्स पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज. कि क्या कर रही है कि एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि क्रिएट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है, डिलीवर कर रही है, एक्सचेंज कर रही है कस्टमर को वैल्यूज और क्लाइंट्स को खुश. कस्टमर हो गया हमारा, कस्टमर हो गया क्लाइंट्स हमारे, जो हम जिससे हम डील कर रहे हैं. इसमें क्या आ सकते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, बैंकर्स आ सकते हैं, कस्टमर जो हमारे VIP कस्टमर्स होते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, पार्टनर्स जो हमारे ओनर्स होते हैं बिजनेस को, और सोसाइटी एट लार्ज. सोसाइटी एट लार्ज में हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, उसके साथ साथ हम सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं. तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं तो वो हमारी मार्केटिंग होती है. इन सब चीज़ों को मिला के मार्केटिंग बनती है, ठीक है. मार्केटिंग, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू सेटिस्फाई द गुड्स टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट. मार्केटिंग आइडेंटिफाइज अनफुलफिल्ड नीड्स एंड डिजायर. इट डिफाइंस मेजर्स एंड क्वान्टिफाइज द साइज ऑफ द आइडेंटिफाइड मार्केट एंड द प्रॉफिट पोटेंशियल. इट पिन पॉइंट्स विच सेगमेंट्स द कंपनी इज केपेबल ऑफ सर्विंग बेस्ट एंड इट डिजाइंस एंड प्रमोट्स द अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. तो क्या हो रही है यहाँ पे, क्या देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है. यहाँ पे हमने न्यू वर्ड सुना है एक मार्केटिंग सेगमेंट्स का. तो सेगमेंट्स क्या होते हैं कि हम क्या करते हैं कि क्या होता है कि देखो पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर हम अपने टारगेट बनाते हैं कस्टमर का, ठीक है. तो कस्टमर टारगेट बनाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारी कस्टमर में कितने सारे हैं, हमारे एज ग्रुप्स हैं, इतने सारे एज ग्रुप्स हैं, जनरेशन्स हैं, जनरेशन्स ऑफ पीपल्स हैं हमारी, ठीक है. तो इसमें से कौन से, मतलब कौन से कस्टमर को हम टारगेट बना, अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं. लाइक जैसे अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमने पहले सोचा कि हम अडल्ट ग्रुप को अपना सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है, 60+ ग्रुप को अपना सेगमेंट बनाएंगे. फिर वो जो 60+ को हमने सोच लिया, फिर उसके बाद हम उसके मुताबिक हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है. अब हमने प्रोडक्ट बना लिया, उसकी प्राइस रख ली उसके मुताबिक, फिर उसके बाद प्रमोशन हम किस हमने जो सेगमेंट सोचा है उसके हिसाब से हम अपना प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे. लाइक जैसे कि जो 60+ लोग हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडियाज़ नहीं चलाते, तो हम जो हमारा जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हम सोशली अगर सोशल मीडिया पे अगर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी करे तो हमारा वो काम नहीं आएगा. सुशील कुमार, ठीक है. तो ऐसे करके हम सेगमेंट बनाते हैं कि हम पहले देखते हैं कि किसको हमें सामान बेचना है, तो वो हमारा मार्केट सेगमेंट है, ठीक है. तो और जो पोटेंशियल कस्टमर के नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करते हैं हम अपने प्रोडक्ट के ज़रिए, और उसको क्रिएट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना बिजनेस का प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है. फिर थर्ड हमारा वो है, मार्केटिंग इज़ अ मैनेजमेंट एक्टिविटी दैट आइडेंटिफाइज एंटिसिपेट्स एंड सेटिस्फाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है. वही बात कही जा रही है उसकी भी, ठीक है. फिर उसके बाद मार्केटिंग इज द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स प्रॉफिटेबली, वही सेम, ठीक है. आइडेंटिफाई करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, फिर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले. मार्केटिंग इज द बिजनेस प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विद द मार्केट्स एंड थ्रू विच ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड. तो क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मैच कर रहे हैं हम मार्केट से, और फिर उसकी ओनरशिप हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, अपने कंज्यूमर को बेचकर, ठीक है. ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हमने सेल करके. मार्केटिंग इज दैट फेज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी थ्रू विच द ह्यूमन वॉन्ट्स आर सेटिस्फाइज बाय द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम ह्यूमंस के, ठीक है, एक्सचेंज कर रहे हैं उसका. फिर मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे वांट एंड थ्रू क्रिएटिंग एक्सचेंज इन प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू विद द अदर्स, ठीक है. फिर उसके बाद डिफरेंस देख रहे हैं हमारा मार्केटिंग एंड सेलिंग का. कि मार्केटिंग क्या है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है. क्या पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को उस प्लान के मुताबिक, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बायर और सेलर को एक साथ लेकर आते हैं, ठीक है. और सेलिंग में क्या कर रहे हैं हम, सेलिंग में सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोसेस हो रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है बस, ठीक है. और किस लिए, मनी के लिए, मनी लेकर आते हैं जिससे फिर. और जो मार्केटिंग हमारा ब्रॉडर अरेंज है क्योंकि इसमें बहुत सारे
मार्केटिंग में बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ठीक है। इसका एम क्या होता है, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना और उनको उनकी फ्यूचर नीड्स पता करना, कस्टमर की रिलेशन बनाना और उसके फ्यूचर नीड्स को पता करना। और सेलिंग क्या करता है, सेलिंग हमारा ये है कि हमें कस्टमर की जो डिमांड है वो क्या चाहती है वो हमें उसको ऑफर करना, ठीक है, सेल करना। फिर मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है, मार्केटिंग का फोकस किस पे होता है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे। और सेलिंग का फोकस क्या होता है, मैक्सिमम सेल्स करने पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है पुल की, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, लेकर आना। और सेलिंग की स्ट्रैटेजी है पुश करना, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर को देना, ठीक है। कस्टमर हम जैसे भी हमें सेलिंग में ये होता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा सेल करनी है, जैसे सेल करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल करनी है, तो हम प्रोडक्ट पुश कर रहे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा मार्केटिंग हॉरिजॉन, मार्केटिंग क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। और सेलिंग क्या है, गुड्स को लेके जाना और उनको बेचना, ठीक है, वो सेलिंग है, शॉर्ट टर्म है हमारा। मार्केटिंग हमारा वाइडर इन स्कोप एंड इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्राइसिंग, प्रमोशन एक्सेट्रा। कि मार्केटिंग वाइडर स्कोप है और इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। पर सेलिंग हमारा शॉर्टर स्कोप है और ये एक पार्ट है मार्केटिंग का, ठीक है। मोटिव, जो हमारा मार्केटिंग मोटिव है हमारा क्या है कि हमें प्रॉफिट तो कमाना ही है, पर किससे कमा रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई देके। और सेलिंग में हमारा मोटिव है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है और फिर उससे प्रॉफिट लेना है। मार्केटिंग का एम है कि कस्टमर की नीड्स को हमें प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करना है। और सेलिंग की नीड एम है कि हमें प्रोडक्ट को कैश में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केटिंग की ओरिएंटेशन क्या है कि वो पूरा कस्टमर फोकस्ड है, और सेलिंग की ओरिएंटेशन क्या है, वो सेलर फोकस्ड है। देखो कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कि वहाँ पे कस्टमर की चलती है, कस्टमर जो चाहता है वही होगा। पर सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम सेलर की चलाते हैं, सेलर जैसा बेचना चाहे वो वैसे बेचे। रिलेशनशिप में है वन टू मैनी, मतलब एक सेलर पूरे ओवरऑल पूरी पब्लिक के साथ, वो जिस अपने सारे के सारे टारगेटेड कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, पोटेंशियल कस्टमर और टारगेटेड कस्टमर। और सेलिंग में क्या है, वन टू वन, वो सिर्फ एक सेलर अपने बायर के साथ कर रहा है, ठीक है। टारगेट जो मार्केटिंग में हम टारगेट क्या रखते हैं, पूरी पब्लिक, पूरी की पूरी पब्लिक में हम टारगेट देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जब प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐड प्रोवाइड करते हैं, वो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, पूरी की पूरी पब्लिक के लिए प्रोवाइड करते हैं ना। ये तो नहीं कि एक कॉलोनी में ऐड चल रहा है तो दूसरी कॉलोनी में वो ऐड नहीं चलेगा, पूरी की पूरी पब्लिक के लिए करते हैं। और सेलिंग में क्या है कि इंडिविजुअल या फिर स्मॉल ग्रुप के लिए करते हैं कि मार्केट में बैठ गए और वहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। रूल क्या है वहाँ पे कि मार्केटिंग में हमारा जो है सेलर बिवेयर है किससे, कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या उसको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सेलर को पता है। सेलर जानकारी लेता रहता है कि उसको पता रहे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। पर सेलिंग में क्या है कि वहाँ पे कस्टमर बिवेयर है, कस्टमर जानकारी ले रहा है सेलर से कि उसका प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, और उसको मतलब अपने आप को सतर्क रख रहा है, ठीक है, वो जानकारी लेता रह रहा है भी। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द फिलोसफी दैट द फर्म्स फॉलो आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ देयर कस्टमर एंड देन ट्राई टू मेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस टू सेटिस्फाई दोज नीड्स बेटर देन द कंपटीटर्स। नाउअडेज मोस्ट फर्म्स मेक एंड अडॉप्ट देयर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी, द फोकल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग फिलोसफी इज सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड्स एंड वॉन्ट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। कि फोकल पॉइंट हमारा क्या है कि यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को और उनको सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं, किससे, कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर से भी अच्छा। और मेन मोटिव है कि कस्टमर की पे फोकस रखना है हमें। इट एम्स एट डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। दिस कॉन्सेप्ट बिलीव्स इन द फुल स्ट्रेटेजी एंड हेल्प्स द फर्म इन मेकिंग इट्स ब्रांड वेरी स्ट्रांग। ब्रांड क्या होता है कि हमारी जो
हमारे कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांड वो तभी बनता है जब हमारी कस्टमर जब हमसे खुश होगी, कस्टमर हम पे ट्रस्ट लाएगी, और उसके बाद कस्टमर जब हमसे खुश होगी, कस्टमर का ट्रस्ट हम जीत पाएंगे, तब जाके वो हमारी ब्रांड से खुश हो पाएगी। मतलब ब्रांड से अगर खुश होगी, ब्रांड हमारी प्रोडक्ट से खुश होगी, तब जाके वो हमारे प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएगी। कैसे बनाएगी? कि वो अपने और हमारी कस्टमर्स लेके आएगी, ठीक है, और हर कोई उससे खुश होगा, तब जाके वो नाम बनेगा उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का, या फिर उस बिजनेस का नाम बनेगा, और नाम से ही वो ब्रांड बनेगा, ठीक है। कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में ब्रांड नहीं बन सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद टू सेटिस्फाई सच नीड्स फिलोसफी अकॉर्डिंग टू विच अ फर्म्स गोल्स कैन बी अचीव थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड सेटिस्फेक्शन, तो ये सब हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि हमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या करना है, हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी करनी है, लो कॉस्ट रखना है, और मास डिस्ट्रीब्यूशन कि सेलर क्या कोशिश करता है कि उसने अपनी हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी करनी है। हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी वो कैसे करेगा कि लाइक एग्जांपल, अगर 5 लेबर मेरे कंपनी में, मेरे बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 लेबर काम कर रहे हैं, और एक लेबर कितने प्रोडक्ट यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 20 यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर मैंने 2 लेबर और इंक्रीज किए, तो उसके मुताबिक मुझे कितना यूनिट इंक्रीज होना चाहिए, 20, 40 इंक्रीज होनी चाहिए मुझे, पर मुझे ये कोशिश करनी है कि हम 40 के से ज़्यादा हम मुझे यूनिट प्रोड्यूस होके आए। अगर 50 प्रोड्यूस होके आ गई तो क्या हुआ, 50/2 हमारे यहाँ, मतलब 50/40, मतलब 50 आया है और 40 मेरा आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या जो हमारा रेशियो क्या निकलेगा, वो मोर देन 1 आएगा, 1 समथिंग कुछ, 1 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो अगर जो रेशियो आता है हमारा, वो अगर 1 ज़्यादा हो तो वो हमारा फेवरेबल रेशियो होता है, और वही हमें चाहिए। फेवरेबल रेशियो हमें चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए, और मास डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि जितना से ज़्यादा जितना हम प्रोड्यूस कर सके, और जितने से ज़्यादा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके, सेल कर सके, ठीक है। देखो, अगर हमारा फेवरेबल रेशियो आएगा तो उससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट जो होगी वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, कॉस्ट हमारी कम होगी। फिर उसके बाद हमारा सेकंड है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और सुपीरियर बनने के चक्कर में वो कॉस्टली भी हो जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम अच्छी अच्छी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसे करें वो हम देखते हैं, प्रमोशन एफर्ट्स डालते हैं हम अपने बिजनेस में, ठीक है, वो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है। फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कंसिस्ट ऑफ द कंपनी बीइंग मोर इफेक्टिव देन इट्स कंपटीटर्स इन क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू टू इट्स चूजन टारगेट मार्केट, कि अपने टारगेट मार्केट्स को सेटिस्फाई करते हुए, ये सारे एक्टिविटीज करते हुए हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, ठीक है। क्या 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 हमारे 4 पिलर्स हैं, हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के 4 पिलर्स हैं। पहला है टारगेट मार्केट, कि टारगेट मार्केट मैंने बताया कि क्या होता है, हम पहले चूज करते हैं हमें किसको, मतलब किसको हमें सामान बेचना है, और कौन सी क्या होता है। कंपनीज डू देयर बेस्ट व्हेन दे चूज देयर टारगेट मार्केट्स केयरफुली एंड प्रिपेयर टेलर्ड मार्केटिंग प्रोग्राम्स, हम पहले चूज कर लेते हैं कि कौन सा मार्केट हमें करना है, और उसमें मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या क्या हमें करनी है, क्या क्या काम हमें करने हैं। फिर उसके बाद हम कस्टमर नीड्स देखते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करते हैं, कि जो हमारे सारे डिपार्टमेंट है सबके सबका डायरेक्शन एक ही होता है, और वो है कस्टमर के इंटरेस्ट को सर्व करना, कस्टमर की नीड्स को सर्व करना, सेटिस्फैक्शन सर्व करना, ठीक है। फिर उसके बाद 4th है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, और ये सब करते हुए हमें प्रॉफिट का भी ध्यान रखना है, हमें नॉन प्रॉफिट पे बिजनेस नहीं चलाना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को करते हुए
कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए हमें क्या करना है, हमें अपने सोसाइटी का भी अच्छा करना है। कि अगर कोई देखो, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, कोई ऐसा मशीन हमें यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, तो फिर या तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो मशीन यूज़ नहीं करना, या अगर हम उस मशीन को यूज़ करें तो हमें कुछ ऐसा भी करना हो कि कुछ उससे पॉल्यूशन भी ना हो। ठीक है, वो मशीन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पॉल्यूशन ना हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन भी कम हो। ठीक है, कि सोसाइटी नहीं, मतलब सोसाइटी को हार्म ना पहुंचे हमारे सारे कॉन्सेप्ट पूरे करते करते हुए। ठीक है, फिर मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि ये मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे फीचर्स को, मतलब सारे के सारे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े ऊपर, उनको मिलाते हुए चल रहा है। ठीक है, इसमें पहला है कस्टमर ओरिएंटेशन है, कस्टमर पे फोकस्ड है, मार्केटिंग रिसर्च कर रहा है, मार्केटिंग प्लानिंग कर रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ रखा है, तो उससे ही सारा है हमारा। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कर रहा है कि सबको मिलाते हुए, सारे डिपार्टमेंट्स को मिलाते हुए चल रहा है। सिस्टम अप्रोच हमारा 4 P's को यूज़ कर रहा है, सिस्टम अप्रोच की 4 P's में हमें कोऑर्डिनेशन बनाते हुए चलना है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को हमें कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट की जो हमारा ये सब हम किस लिए करते हैं, कि बिजनेस क्या किस लिए करते हैं, कि उसका जो लॉन्ग टर्म वो बिजनेस चला सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए वो ये सब करता है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस क्या है। मार्केटिंग इज इम्पॉर्टेंट टू द बिजनेस कंज्यूमर्स एज वेल एज द सोसाइटी, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेस टू कीप पेस विद चेंजिंग टेस्ट फैशंस। Marketing helps business to keep pace with changing taste, fashions and preferences of the customer. It works out primarily because ascertaining customer needs and wants is a regular phenomenon and improvement in existing products, introduction in new products is a continuous process. क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी importance क्या है। मार्केटिंग, अगर हम मार्केटिंग यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो इससे क्या फायदा होगा हमें, कि हम अपडेटेड रहेंगे, कोई भी चेंज रहेगा तो वो अपडेटेड रहेगा। ठीक है, कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स पे कुछ चेंज आ रहा है, या फिर एडिशनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, हमारे कंप्यूटर्स के बारे में हमें जानकारी अपडेट होती रहेगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो मार्केटिंग है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी मार्केटिंग में, वो सारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो एट अ टाइम एक्टिविटी हो, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो कि एट अ टाइम एक्टिविटी हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है, कि ये चालू रहेगी। ठीक है, मार्केटिंग दस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कंज्यूमर एंड देयर बाय हेल्प्स देम इन इम्प्रूविंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्या, देखो हम रिसर्च कर रहे हैं, एक एक्टिविटी ले लेते हैं रिसर्च। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के बारे में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, कंपटीटर्स के बारे में, मार्केट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं हम, तो हमें मार्केट में जो भी चेंज आएगा, चाहे वो कस्टमर रिलेटेड हो या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड हो या फिर कंपटीटर रिलेटेड हो, सारी अपडेट हमें मिलती रहेगी। तो वो क्या होगा, अपडेटेड रहेगा ना बिजनेसमैन जो भी बिजनेस चला रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, और फिर उसके बाद वो बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव हो रही है। क्यों इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इम्प्रूव हो रहा है, और उस प्रोडक्ट को वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगी। फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि मार्केटिंग जो है हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए। क्यों प्ले करता है, ऐसा इम्पॉर्टेंट रोल, क्यों, देखो अगर जब सारे बिजनेस मार्केटिंग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो अच्छा एक खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे, हमारे इंडिया की GDP बढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो हमारी पूरे ओवरऑल, जब एक बिजनेस मार्केटिंग कर रहा है तो धीरे 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 हमारे सारे बिजनेस मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग करने से क्या हो रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा। तो जब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होगा, वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पे GDP कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस चीज़ से क्या होगा, हमारी इंडिया की इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी।
फिर उसके बाद मार्केटिंग हेल्प्स द बिजनेस इन इंक्रीजिंग इट्स सेल्स वॉल्यूम जनरेटिंग रेवेन्यू एंश्योरिंग इट्स सक्सेस इन द लॉन्ग रन, कि सेल्स वॉल्यूम बढ़ाता है, रेवेन्यू बढ़ाता है और लॉन्ग रन उसको चलाता है. मार्केटिंग ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेस इन मीटिंग कॉम्पिटिशन मोस्ट इफेक्टिवली, कि कंपिटिटर्स से ज़्यादा वो बनता है, मतलब कम्पिटिट अच्छा कर पाता है. कैसे कर पाता है कि हमने यहाँ पे जो पढ़ा एक पॉइंट पढ़ा था हमने कि वो कंपिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट बनाता है. फिर उसके बाद कहाँ थी मैं, इट प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक, कि हम जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, पब्लिक को हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है. फिर उसके बाद मार्केटिंग बिल्ड्स अप कंपनीज रेपुटेशन, कंपनी की रेपुटेशन बनाता है. कैसे बनाता है, ब्रांड. जब कोई बिजनेस या फिर ब्रांड मतलब प्रोडक्ट जब ब्रांड बनता है तो क्या वो कैसे बनता है, कस्टमर के ट्रस्ट से बनता है. जब हमारी सारी की सारी कस्टमर सेटिस्फाई होगी तो वो क्या होगी, हमारे ब्रांड से, हमारे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश होगी तो वो हमारे प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना देगी. कैसे, उसका बहुत नाम करेगी, ठीक है. तो प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट को ब्रांड बना देती है तो क्या होगा, कंपनी का, उस कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा, उसकी जो उसका नाम होगा, उस कंपनी का नाम होगा, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर एंड द सोसाइटी, कि कस्टमर के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फॉर कस्टमर, कि मार्केटिंग क्या कर रहा है, प्रमोट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक, पब्लिक को कैसे इम्पोर्टेंस है. प्रोडक्ट की हमारे जो मार्केटिंग है वो कस्टमर के कैसे इम्पोर्टेंट है, कि हमारे कस्टमर को क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है. तो जो कस्टमर है वो हमारी अपडेटेड रहेगी, किससे, क्या प्रोडक्ट मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन से प्रोडक्ट की मतलब कौन से बिजनेस सर्विस अच्छी है, ठीक है. तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगी अपने नीड्स एंड वॉन्ट्स के जरिए, मतलब अपने नीड्स एंड वॉन्ट्स के मुताबिक वो फिर जो प्रोडक्ट उसको अच्छा लगेगा उस पर वो जाएगी, ठीक है. तो क्या होगा कि कोई भी सेलर जो है उनसे धोखाधड़ी नहीं कर सकता कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, या फिर उन्हें बहला फुसला नहीं सकता. तो ये इससे कस्टमर को फायदा हो रहा है मार्केटिंग से. बाय द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग मैनेजर्स आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर देयरफॉर फाइंडिंग वेज टू कैटर टू देम, और क्या हो रहा है, कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट्स सेटिस्फाई हो रही है, ये भी उसको, ये तो सबसे बड़ा उसका इम्पॉर्टेंट मतलब उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ये. विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स अ कस्टमर कैन कंपेयर द कंपिटिटर प्रोडक्ट्स एंड बाय द बेस्ट वन अमंग द अवेलेबल चॉइसेस. तो कस्टमर के पास क्या है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, तो उसके मुताबिक वो कंपेयर करके अच्छा प्रोडक्ट अपना लिए चुन सकता है. बाय द वे ऑफ प्रमोशन एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय मार्केटर कस्टमर गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर बाइंग द प्रोडक्ट्स. देखो और क्या कर रहा है, जो हमारी जो सेलर होते हैं वो कभी कभी क्या करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, लाइक सेल हो गया या डिस्काउंट्स हो गए या फिर रिवॉर्ड्स दे हो गए, और कूपन्स रिवॉर्ड्स होते हैं, प्राइज रिवॉर्ड्स होते हैं, कि तो इससे क्या कर रहा है कि कस्टमर उसको खरीदेगी और उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ले लेगी, चाहे वो काइंड का बेनिफिट हो या फिर कैश बेनिफिट हो, ठीक है. फिर उसके बाद फिफ्थ हमारा, विद द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग कस्टमर गेट्स बेनिफिट्स, इज कंपनीज हैव नाउ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड दस ट्राई टू मेंटेन देम. ऑल्सो कॉन्सेप्ट लाइक एथिकल मार्केटिंग हैव हेल्प्ड कस्टमर अलॉट. फॉर एग्जाम्पल एन एथिकल कंपनी लाइक नोकिया हैज कॉल्ड ऑफ 5BL5C बैटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट हैज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट. तो क्या हुआ, एक न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है जो कि हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग है. तो इससे क्या हो रहा है कि कस्टमर से वो रिलेशनशिप बना रही है, तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर को बेनिफिट हो रहा है. क्या बेनिफिट हो रहा है, कि उसको उसके मतलब उसकी नीड्स का ध्यान रखा जा रहा है, उसके मुताबिक उसकी बातें सुनी जा रही है. हम क्या करते हैं, सेलर जो है वो क्या करते हैं, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं अच्छी, ठीक है, उनकी बातें सुनते हैं, उनको उनकी बातों का पूरा करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे हमारी उनकी इम्पोर्टेंस हो रही है. अब
इम्पोर्टेंस सोसाइटी को क्या मिल रहा है मार्केटिंग से वो देखेंगे। फर्स्ट हमारे ड्यू टू वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड। देखो मार्केटिंग में क्या है, हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो उससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट है। सेकेंड है हमारा मार्केटिंग हेल्प्स टू इंक्रीज द नेशनल इनकम बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम दस जनरेटिंग रेवेन्यू। और क्या कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कैसे कि हमने जो इंक्रीज सेल्स, हमने सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करी है, तो उससे क्या है रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, सेल्स वॉल्यूम हमने बढ़ाई, रेवेन्यू जनरेट हुई। अब सेल्स वॉल्यूम कैसे बढ़ी, क्यों हम जनरल पब्लिक, हम होल पब्लिक को सिर्फ एक मार्केट में सिचुएटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में लोग आएंगे तब खरीदेंगे, नहीं, हम लोगों को बता रहे हैं तो वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, वो खुद आएगी कि ये प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, जब उसके बारे में वो जानेगी तब तो खरीदेगी। पहले क्या होता था कि मार्केट में होता था, मार्केट में लोग आएंगे तब जाके उन्हें उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो तब जाके लेंगे, पर हम क्या कर रहे हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, हम मार्केट, हम प्रोडक्ट के बारे में उनको पहले से बता रहे हैं, तो वो उसको खरीदने के लिए आएगी, जानने के बाद ही तो आएगी ना, तो वो आएगी, तो उससे क्या होगा कि हमें जब वो हम सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी, और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करेगी, और रेवेन्यू जनरेट करेगी तो वो नेशनल इनकम जनरेट कर रही है, तो नेशनल इनकम से सोसाइटी का बेनिफिट होता है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है, देयर इज वन एंड ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पस कि टू क्रिएट अ कस्टमर, कि बिजनेस का पर्पस सिर्फ एक ही है और वो क्या है, कस्टमर क्रिएट करना। डिस्कस दिस स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इस स्टेटमेंट को हमें डिस्कस करना है क्या ध्यान में रखते हुए, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग बताते हुए। ठीक है, तो इसका आंसर, यस इट इज एप्टली स्टेटेड दैट देयर इज वन एंड ओनली वन वैलिड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पर्पज टू क्रिएट अ कस्टमर, कि कस्टमर बनाने के लिए बिजनेस का सबसे पहला एक ही काम होता है और वो क्या है, कस्टमर क्रिएट करना। ठीक है, मॉडर्न डे मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड रेदर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड, इंश्योरिंग दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द कस्टमर, की सारी एक्टिविटीज हमारी कस्टमर रिलेटेड होती है, तो ये सारी चीज़ें आता ही है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, कस्टमर फोकस्ड है, कि सारी की सारी एक्टिविटीज हम कस्टमर को ध्यान में रखते करते हैं। सेकेंड हमारा इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, हम सारे डिपार्टमेंट को एक तरफ लेके चलते हैं, कोऑर्डिनेट करते हुए चलते हैं और वो एक डायरेक्शन से चलते हैं, और वो डायरेक्शन कौन सी है, हमारे कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है कि देखो जो मार्केटिंग है वो किसका पार्ट है, कॉमर्स का पार्ट है, ट्रेडिंग, कॉमर्स, बिजनेस, ये सारे किससे आया है, कॉमर्स से आया है ना। ठीक है, तो जो मार्केटिंग है वो हमारा कॉमर्स का पार्ट है, और कॉमर्स क्या है कि कॉमर्स हमारा किससे में आया है, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। देखो कॉमर्स में क्या होता है, हमारी लॉ होती है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ है उसमें कॉमर्स रिलेटेड, बिजनेस लॉ है, कॉमर्स लॉ है, और कॉमर्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती हैं। ठीक है, साइकोलॉजी क्या होती है कि हमारी मार्केटिंग और साइकोलॉजी हम क्या वो करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो हमारी मार्केटिंग भी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी, कॉमर्स, लॉ, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो वो भी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। ठीक है, फिर इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो जो बिजनेस चलता है उसमें, देखो जो बिजनेस, कोई एक बिजनेस है वो क्या करता है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है, पर वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके मुताबिक अगर कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो उसके मुताबिक उसको अपने बिजनेस में चेंज लाना पड़ता है। फिर म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज क्या हो रहा है कि हम बायर्स को उनके वॉन्ट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उससे हम गुड्स के बदले में उनसे क्या ले रहे हैं, हम अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बायर और सेलर का दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट पूरा हो रहा है। बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच, की एक सिस्टमेटिक अप्रोच से चलता है, सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हुए चलता है।
फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये बीटिंग हार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। हमने पढ़ा था कि जो हमारा जो मार्केटिंग है वो हमारा क्या है, ऑल परवेसिव इन नेचर है। कि परवेसिव मतलब होता है कि कोई भी, अगर कोई भी, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें हम मार्केटिंग नहीं करते हैं तो मार्केटिंग अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एकदम जीरो आएगा, कोई फायदा नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फिर कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा अगर हम मार्केटिंग ढंग से नहीं करेंगे। तो इसीलिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें मार्केटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छी मार्केटिंग करेंगे तब जाके हमारा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा जो मार्केटिंग है वो बीटिंग हार्ट है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। और देखो नॉन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं करना होता है, पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो उसका बीटिंग हार्ट है। इट फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ प्लेस टाइम पोजिशन यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर, मतलब ये यूटिलिटी क्रिएट करता है। और कौन सी यूटिलिटी? प्लेस टाइम एंड पोजिशन यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्लेस यूटिलिटी में क्या है कि प्लेस रिलेटेड यूटिलिटी, कि कौन से मार्केट में हमें अपना सामान बेचना है, कौन सी जगह पे हमें अपने वेयर हाउसेज रखने हैं, ठीक है, तो ये हमारी प्लेस यूटिलिटी होती है। टाइम यूटिलिटी की ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें टाइम यूटिलिटी देता है कि स्पीड, हमें स्पीडली हम काम कर सकते हैं। वेयर हाउसेज भी हमारी टाइम यूटिलिटी देता है कि हम उसको बचा के रख रहे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है, तो वो भी हमारी टाइम यूटिलिटी दे रहा है। पोजीशन यूटिलिटी क्या होता है कि हम उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जा रहे हैं, तो हमारी पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन हमारी क्या होती है कि किसी जगह पे रखना, पोजीशन होता है वो, तो ठीक है। एज क्रिएटिंग दीज यूटिलिटीज हेल्प अ मार्केटर टू अचीव सक्सेस इन द बिजनेस। थर्ड है हमारा, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया कि कैसे इम्प्रूव होती है एक पीपल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है नेशन की, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू अ कंपनी नोन टू यू एंगेज इन मार्केटिंग इन ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ऐसा कोई बिजनेस के मुताबिक हमें बताओ कि जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करता हो, और कौन सी मार्केटिंग की, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करता हो। तो ऐसा कौन सा है, यहाँ पे बोला गया है ITC कंपनी, ठीक है, जो कि हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज करती है। वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूज करती है, ठीक है, और क्या होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो पता ही है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी यूज़ करती है, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी यूज़ करती है, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करती है, ठीक है। तो ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट शॉर्ट नोट ऑन सेलिंग कॉन्सेप्ट, तो ये भी हमारा पता ही है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हमें क्या होता है कि हमें सेल्स करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करना होता है, और उसको प्रोडक्ट के बारे में हमें कंज्यूमर्स को बताना होता है। तो और इसमें हमने जब ऊपर मार्केटिंग एंड सेलिंग के बारे में डिफरेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था जो हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो किस पर फोकस है, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस हो रहा है, और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं और लोगों को उसको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं किसके ज़रिए, अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के ज़रिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा सेवन क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, सपोर्ट योर आंसर विद सम इंडियन एग्जाम्पल्स। तो ये सब, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, तो फिर उसमें ये ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, तो ये मैं नहीं करा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी ITC कंपनी का एग्जाम्पल दे दिया है, तो वो भी ऊपर हो गया है, ठीक है। अगर कोई और कंपनी का एग्जाम्पल दिया होता तो फिर मैं करा देती। व्हाट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज अ न्यू अप्रोच टू मार्केटिंग एंड वन ऑफ द लेटेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट। एक न्यू अप्रोच है मार्केटिंग का और लेटेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट है। इट ऑरिजिनेटेड एज अ रिस्पॉन्स टू फंडामेंटल चेंजेस इन द करेंट मार्केटिंग एनवायरमेंट लाइक इंटरनेट डेवलपमेंट, एमर्जेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाइपर कॉम्पिटिशन, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चेंजेस की वजह से
ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एंड केविन लेन केलर, अ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज द ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंसी। कि होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है किस पे, डेवलपमेंट बेस्ड है, कि ये सारे जो हमारे डेवलपमेंट चेंजेस आए हैं, हमारे इंटरनेट आई है, ग्लोबलाइजेशन आई है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई है, ये इन सब पे बेस्ड है। डेवलपमेंट की न्यू डेवलपमेंट अगर कोई आता है हमारे एनवायरनमेंट में तो उसके लिए है। डिज़ाइन पे बेस्ड है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स पे बेस्ड है, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज द ब्रेंथ एंड इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे पर डिपेंड होना, ये हमारा देखता है। कि देखो जो ग्लोबलाइजेशन उसमें हो रही है तो वो क्या हो रही है, पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में हो रही है, ठीक है। और वो किससे, उसमें जब हम ओवरऑल वर्ल्ड में अपना मार्केट कर रहे हैं तो उसमें भी हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पर उससे थोड़े से मतलब थोड़े कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो कैसे इंटरडिपेंडेंट कर रही है हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से और ग्लोबलाइजेशन से कैसे इंटरडिपेंड करे, तो वो सारी चीज़ें हमारी बताती हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। होलिस्टिक मार्केटिंग रिकॉग्नाइजेज दैट एवरीथिंग मैटर्स विद मार्केटिंग एंड दैट अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव इज नेसेसरी टू अटेन द बेस्ट सोल्यूशन। कि होलिस्टिक मार्केटिंग कहता है कि हर चीज़ मैटर करती है, ये नहीं कि ये तो बड़ी छोटी चीज़ है ये मैटर नहीं करती, नहीं, वो कहती है कि सारी की सारी सब चीज़ मैटर करती है और विद मार्केटिंग एंड दैट अ ब्रॉड इंटीग्रेटेड परस्पेक्टिव इज नेसेसरी टू अटेन द बेस्ट सोल्यूशन। हमें, और वो कहती है कि अगर हमें अपना सोल्यूशन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है तो उसमें हमें हमारी जो परस्पेक्टिव है, हमें देखने का नज़रिया होना चाहिए कि वो हर चीज़ को एक ब्रॉड मतलब बड़े नज़रिए से हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि अरे देखो अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर वो स्वीट्स का बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और उस स्वीट्स के बिजनेस में बहुत सारी चींटियाँ हैं, तो अब ये अगर सेलर बोले कि यार चींटियाँ ही तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, पर नहीं, उस चींटियों से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हर चीज़ मैटर करती है, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन ढूंढना है तो हमें अपने नज़रिया बढ़ाना पड़ेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड बाय थिंकिंग अबाउट द बिजनेस एज अ होल, कि पूरे बिजनेस को एक लेके चलते हुए हमें ध्यान देना है। अ बिजनेस यूटिलाइजिंग अ होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच ऑपरेट्स अंडर द स्ट्रांग बिलीव दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी आर इंटर रिलेटेड। अंडर दिस कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स राइट लाइक मार्केटिंग मिक्स, द डिजाइन of marketing campaigns and implementation of marketing process are not isolated business function, कि हर एक function हमें देखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि हमने सारे function देखे कोई एक function हमने छोड़ दिया, नहीं, हमें सारे के सारे function देखते हुए चलना है। Instead, the business makes marketing campaigns based on reaching a common organizational objectives. देखो कोई एक business होता है, कोई एक campaign वो क्यों चला रहा है, कि कोई वो कैंपेन क्यों चला रहा है, कि कोई उससे उस कैंपेन के जरिए क्या करे, वो कोई ऑब्जेक्टिव गेन मतलब कोई ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो कैंपेन चला रहा है। देखो हम डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स अपने अपने कैंपेन खोलते हैं विलेजेस में, वो किस लिए, एक तो वो वहाँ से वो अपनी सोसाइटल कॉन्सेप्ट पूरा कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, कंज्यूमर को अवेयर कर रहा है, कंज्यूमर को अपने हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है, ठीक है, और वो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई मतलब उनकी नीड्स एंड वांट्स को भी सेटिस्फाई मतलब जानकारी लेने की भी कोशिश करता है वहाँ से, कि कोई हम अपना एक ब्रांच यहाँ पे क्या खोल सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस मतलब होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जो सोचते हैं कि हम अपना कोई एक ब्रांच खोले, कि विलेज में खोले, सस्ते में काम भी करे और फिर उनकी ज़रूरतें भी पूरी करे। तो वो वहाँ से क्या लाइक अगर कोई हॉस्पिटल है गांव में खोलने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले वो वहाँ पे कैंपिंग चला के ही वो देखेगा कि वहाँ पे बीमारी कौन सी है, कि
अगर वहाँ पे कोई बड़ी बीमारी चल रही हो तो फिर तो वो अपना वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं खोलेगा, मतलब अगर उस वो चाहता है अपना प्रॉफिट कमाना तो वो नहीं खोलेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर कॉस्ट पड़ जाएगी। कोई ऐसी बीमारी जिसकी जिसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत कॉस्ट लगती है तो वो फिर वो नहीं खोलेगा, है ना। पर अगर उस ट्रीटमेंट के लिए कॉस्ट नहीं लगती, बहुत ही लीस्ट प्राइस में हो जाता है, तो फिर वो वहाँ पे अपना बिजनेस खोल लेगा, अपना हॉस्पिटल खोल लेगा, है ना। तो कैंपिंग इसी मतलब कैंपिंग इसलिए की जाती है कि वहाँ की जानकारी हमें मिल सके, उनकी ज़रूरतें हम पूरी कर सकें, अपने अपने बारे में भी अपने जो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में हम बता सकें, ठीक है। दिस अप्रोच वेलकम आइडियाज एंड सजेशन फ्रॉम एवरी वन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस इन ऑर्डर टू मैच अप द चेंजिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स, कि चेंजिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स को पूरा करने के लिए ये क्या करती है, कोई भी अगर मतलब कोई भी पर्सन चाहे वो हमारे बिजनेस से लिंक हो या ना हो, उसको उससे वो सजेशन लेती है। लाइक जैसे कि बिजनेस में ये इंटरनेट आया, ठीक है, पहले इंटरनेट आया, फिर उसके बाद हमारा डिजिटलाइजेशन हुई ना हमारी उसमें कंट्री में, मतलब हमारे इंडिया में पहले इंटरनेट आया, फिर उसके बाद ये अमेजोन्स चले, जोमेटोज चले, और वो किसने चलाया, एक जो पहले पब्लिक एक नॉर्मल पब्लिक ने चलाया ना, कोई एक कंपनी ने तो नहीं चलाया, तो वो जो एक नॉर्मल पब्लिक था उसने पूरा मार्केट अफेक्ट कर दिया ना। एक वो नॉर्मल पर्सन था लाइक जैसे MBA चाय वाला, तो वो किसने खोला, एक MBA स्टूडेंट ने खोला ना, वो तो कोई बिजनेसमैन नहीं था, वो तो किसी कंपनी से उसने बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं किया, उसने खुद खोल दिया और वो एक अपना बिजनेस, उसका बिजनेस बन गया, वो मार्केट में आ गया, है ना। तो हर एक पर्सन जो कि हमारे मार्केट से लिंक है या नहीं है, हमारे बिजनेस से लिंक है या नहीं है, वो भी अफेक्ट कर जाता है इस मार्केटिंग ट्रेंड को चलाते हुए, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। स्ट्रीम फॉर RDA R&D डिपार्टमेंट चेक द परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट, सीक सजेशन फ्रॉम द सेल्स पर्सन टू ब्रिंग आउट अ पॉजिटिव चेंज इन द प्रोडक्ट। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसल्टेड फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ द बजट। तो ये सारी बातें ये पढ़ के भी समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ब्रांड इमेज बना रहा है और वो क्या कर रहा है कि R&D डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन ला रही है, बजट बना रही है, फिर उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट अप्रूव कर रहा है, फिर HR डिपार्टमेंट सेल और मार्केटिंग पर्पस के लिए HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो कस्टम मतलब एम्प्लॉयज रिक्रूट कर रही है, फिर उसके बाद द होलिस्टिक अप्रोच इज बीइंग फॉलोड हियर वेयर एवरीवन इज वर्किंग टुगेदर टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज, कि अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए सब के सब काम कर रहे हैं इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर एंड कम्पीट विद द अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, अपना ब्रांड इमेज बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग ऊपर भी बताया कि सोसाइटी की हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को साथ रखते रखते कंपटीटर्स से भी अपना काम चलाते हैं, ठीक है, और सोसाइटी ये सब करते हुए बिजनेस चलाने के साथ साथ हमें सोसाइटी को भी कुछ प्रोवाइड करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है, ठीक है, ताकि अगर देखो हम अपना प्रोडक्ट बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पर हम कोई सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, तो वो सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी तो जहाँ पे हमारा बिजनेस है वो फिर आसपास के लोग फिर गवर्नमेंट पे मतलब गवर्नमेंट से केस करके मतलब अप्लाई करके उनको हमारा जो बिजनेस है वो बंद करवा देगी, है ना। तो ऐसा अगर ना हो इसके लिए हम अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द प्रेजेंट डे मार्केटिंग इज कस्टमर ड्रिवन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देना है कि कस्टमर ड्रिवन कैसे है हमारा प्रेजेंट डे मार्केटिंग। फाइंड आउट व्हाट द कस्टमर वांट एंड देन प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, की कस्टमर की वांट्स को हम फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके मुताबिक हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर उसको सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं और फिर
जो ऑफर कर रहे हैं और ऑफर में हम उनको सेल के अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें बता रहे हैं, फिर वो जो बायर है वो प्रोडक्ट खरीदे ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मार्केट सेल व्हाट इज इजीएस्ट फॉर अस टू मेक, वी मस्ट फाइंड आउट मच मोर अबाउट व्हाट द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। हमें ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए जो कि हमारी जो कस्टमर है वो बाय करना चाहती हो, ना ही कि ऐसा कि हम क्या इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं यहाँ पे, कस्टमर फोकस्ड हो रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आर नाउडेज फुल फ्लेज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। द कंपनी मस्ट अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर स्ट्रेटेजिक पोजीशन एज अ डिटरमिनेंट ऑफ द फर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि फर्म की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हमें कस्टमर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर पे ध्यान रखना पड़ेगा। दिस फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग मीन्स द एंटायर मार्केटिंग इज डिजाइन टू सर्व कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड्स को पूरा करने के लिए पूरी मार्केटिंग बन रही है हमारी। बिगनिंग द मार्केटिंग मैन इज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगनिंग रेदर देन द एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल एंड मार्केटिंग इज इंटीग्रेटेड एट ईच फेज ऑफ द बिजनेस। कि मार्केटिंग मैन जो हमारा वो पहले से मार्केटिंग मैन जो है हमारा वो पहले से अवेयर है। ठीक है, पूरे शुरू से लेकर वो मार्केटिंग मैन में हमारा क्या आ रहा है कस्टमर, कि हम पहले से ही कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही कि एकदम लास्ट में जब हमें बेचना है तब हम कस्टमर के पास ही जा रहे हैं। हम शुरू से मार्केटिंग प्रोडक्शन करने से पहले से हम कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं और सेल करने के बाद भी हम कस्टमर पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ठीक है।